बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप जो मेरे हाथ में फैब्रिक देख रहे हैं, ये प्रिंट नहीं है, मैंने एक एक पट्टियाँ जोड़ के इसे तैयार किया है। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला गला, यानी कि फौरी तौर पर रेडी होने वाला गला। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास ना लैस होती है ना बॉर्डर पट्टी होती है, सिंपल ड्रेस होता है, अब समझ नहीं आता कि हम इसे क्या लुक देंगे। उसी टेंशन को आज हम क्लियर करेंगे और आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये मैंने पट्टियाँ कट के, यानी कि 1x1 पट्टियाँ आपस में अटैच कर ली हैं। मैंने इसमें दो कलर की पट्टियाँ ली हैं, ब्लैक और येलो। आप तीन या चार कलर भी कर सकते हैं तो वो हमारा मल्टी हो जाएगा। मैं आपको इनकी साइजेस बताऊंगी, इसकी हम करेंगे पाइपिंग, और आपको इसके रुख भी बताऊंगी कि आप कौन कौन से रुख पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा बॉक्स तैयार कर लिया है, इसे इग्नोर कीजिएगा, ये थोड़ा सा कट कर दिया है मैंने। अच्छा, मैं आपको इसकी साइजेस बताती हूँ कि मैंने कितने कितने इंच की पट्टियाँ कट की हैं। तो मैंने एक एक इंच की पट्टी कट की थी, यानी कि एक इंच की ब्लैक कट की थी, एक इंच येलो कट की थी। जब इसको मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं तो ये तकरीबन एक एक पॉइंट टू पॉइंट कम हो गया है। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी छोटे छोटे तिरछे में। अच्छा, मैंने बनाना है इसको इस तरह तिरछे में। मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझा रही हूँ, आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करना। हमने करनी है इस तरह पाइपिंग, यानी कि मैंने अपनी पाइपिंग को ये वाली शेप देनी है, ठीक है, यानी क्रॉस में देना है। अब आ जाते हैं अपने फैब्रिक की तरफ। आपने अगर इसको इस तरह लगाना है तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, यानी कि आपको बॉक्सेस मिलेंगे, बॉक्स पट्टी जिस तरह हमारी कहलाती है ये वो बन जाएगी। तो अब चॉइस आपके ऊपर है कि आपने किस तरह अपनी पाइपिंग को लगाना है। तो मैं इसको लगाऊंगी तिरछे में। मैंने इसके नीचे जीरो का बुकरम लगा दिया है, इसको थोड़ा थिक करने के लिए, और इसकी जो नीचे की सिलाइयां हैं उन्हें मजबूत करने के लिए। पाइपिंग लगाते वक्त हमारी सिलाइयां खुलेंगे नहीं, बहुत आसान तरीका है। इसको मैंने 18.5 इंच इसकी लंबाई है और 16.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब मैंने इसे क्या करना है, इसे इस तरह ट्राइंगल शेप देनी है, एक नोक दूसरी नोक से मिलानी है और इसे करेंगे प्रेस। बेसिकली ये हमारी आड़ी पाइपिंग भी कहलाएगी, आप इसे आड़ी पाइपिंग भी कह सकते हो। और ये पाइपिंग गोल गला हो, पैनल हो, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाती है। अब इसे कट करेंगे, पहले हम इस पर चॉकिंग कर देंगे। तो मैं इसको 2.25 इंच पर मार्क करूंगी, क्योंकि मैं इस पर कर रही हूँ बूट पाइपिंग। बूट पाइपिंग में पट्टी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है, आप साइज़ कम भी कर सकते हो अगर आपने बारीक पाइपिंग करनी है। अगर आपने डोरी पाइपिंग करनी है तो फिर और ही कम कर दें, यानी कि 1.5 इंच पर आप निशान लगा दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डोरी पाइपिंग करना भी बताऊँगी। अब इसको कट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इस फैब्रिक को साइड कर देंगे, ये आगे चल के हमारे गले में इस्तेमाल होगा। अब इन पट्टियों को बीच में से कट कर देंगे, तो ये हो गई हमारी पाइपिंग रेडी, तिरछी पाइपिंग कहेंगे आप। बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही हसीन लुक देती है। ज़्यादातर ये बुटीक्स पर इस तरह की जो डिज़ाइनिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, ठीक है। अब इसे, अच्छा, इसका मेरे पास कॉलर में भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, यानी कि चाइनीज़ कॉलर, फ्लैट कॉलर, और जो हमारा ओवरलैप होता है वो आप सब कहेंगे, तो मैं आपको उस डिज़ाइन में भी सिखा दूंगी कि कैसे हम अपने ओवरलैप को इस डिज़ाइन के साथ कवर करेंगे। तो फिलहाल इन दोनों पट्टियों को हम साइड कर देंगे और अपना गला रेडी करेंगे जिसके ऊपर हमें पाइपिंग करनी है। गला बनाने के लिए मैंने लिया है बुकरम, मेरे पास बुकरम इस तरह मैंने इसे कट किया हुआ है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने और लंबाई इसकी रखी है मैंने 20 इंच। तो पहला निशान हम इसका लगाएंगे 4 इंच पर, मैं इसे थोड़ा सा फैला हुआ बना रही हूँ। दूसरा निशान हम इसका लगाएंगे 4.5 इंच पर। अब एक निशान हम इसकी स्लिट का लगाएंगे कि हमें कितने इंच पर इसकी स्लिट रखनी है। तो मैं इसका निशान लगा रही हूँ 18.5 इंच पर। Thank you.
तो पट्टी रखनी है हमने नीचे और बुकरम रखना है ऊपर। हम पाइपिंग लगाना राउंड वाली शेप साइड से नहीं स्टार्ट करेंगे, सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे और इस येलो वाली पट्टी को ऊपर की तरफ निकाल देंगे और इस ब्लैक वाली के ऊपर अपने बुकरम को रखेंगे। अब नीचे वाली साइड से हमने ब्लैक निकालना है और येलो साइड की तरफ से पाइपिंग लगानी है। अब इसे प्रेस करेंगे और उसके बाद पाइपिंग को निकालेंगे। अब इस पाइपिंग के एक्स्ट्रा कपड़े को नीट करेंगे और ऊपर वाली साइड पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हो गई है कंप्लीट सीधी वाली साइड पर। अब गोल गले में जो पाइपिंग मैंने कट की है वो भी मैंने 2.25 इंच की कट की है। अब इसे भी प्रेस करेंगे। तो पाइपिंग को मैंने नीट कर दिया है। अब निशान लगाएंगे गले का कि हमें गला कितने इंच पे बंद करना है। तो मैं निशान लगाऊंगी इसका 8 इंच पर। आप अपने साइज के हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पाइपिंग हो गई है कंप्लीट और लुक है आपके सामने। बनाना बहुत आसान था। ऐसा वो लोग करेंगे जिनके पास लैस नहीं होगी, बॉर्डर पट्टी नहीं होगी और अपने गले को एक शानदार लुक भी देनी होगी। तो आपने यही वाली ट्रिक फॉलो करनी है और आप देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा, इसके बीच में आप कोई बटन या लटकन भी लगा सकते हैं इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दें। आपने मुझे बताना है कैसा लग रहा है ये बनकर। उम्मीद करूँगी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। मैंने इसमें बेशेप गला दिया है, आप कोई भी गला बना सकते हैं। आड़ी पट्टी बनी हुई है, इजीली टर्न हो जाएगी। आप यही पाइपिंग वाला शेरवानी में भी बना सकते हैं, यानी कि वी कट करके शेरवानी में पाइपिंग कर दें और ये वाली लुक दे दें। तो ये हमारे पास कपड़ा बचा है, हमने जो पाइपिंग निकाली थी इसी कपड़े को एक नए ट्रिक के साथ इस्तेमाल करेंगे। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका हम बनाएंगे चाइनीज कॉलर गला, यानी कि खुला चाइनीज कॉलर गला बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, इस वाली पट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। पट्टी बनाना तो मैंने आपको सिखा दी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको लगाना भी बताऊंगी। तो मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो, नए डिजाइन, नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।